हेलो एवरीवन, आई एम सनी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म होलोस्फेयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल हैविंग इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्म होलोस्फेयर। यूनिफॉर्म होलोस्फेयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मान लो ये यूनिफॉर्म होलोस्फेयर है जिसके सरफेस पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मास कितना है m, ये सेंटर हो गया होलोस्फेयर का, ठीक है। और रेडियस है मान लो कैपिटल R, ठीक है। और मान लो ये x एक्सिस है और सेंटर क्या है ओरिजिन। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो सबसे पहले देखो ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म होलोस्फेयर। इस रीजन में आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड मतलब जब एक्स कैपिटल आर से ज्यादा हो, ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस क्या है एक्स, आउटसाइड है ये पॉइंट। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इस डायरेक्शन में आएगी, और कितनी आएगी जी एम बाई एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम मैं सरफेस की बात करूं, सरफेस मतलब ये जब एक्स कैपिटल आर के बराबर हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी और कितनी जी एम बाय आर स्क्वायर, ऐसे मतलब नेगेटिव, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और इनसाइड होलोस्फेयर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो, ठीक है। और यहां पे मैं जो इनसाइड की बात करूंगा ना, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, आगे मैं जब ग्राफ प्लॉट करूंगा उसके अकॉर्डिंग इनसाइड को क्या मानूंगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। वैसे ये भी पॉइंट्स इनसाइड में हैं, इन सभी पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये होलोस्फेयर के अंदर हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्राफ यहां पे इनसाइड पॉइंट्स कौन से मानूंगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन कैपिटल आर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो अब देखो जी वर्सेज एक्स ग्राफ प्लॉट करते हैं। आउटसाइड के लिए एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आई, माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसे जी एम बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही है। और सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या आई, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, मतलब ऐसे ऐसे जी एम बाय आर स्क्वायर, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, और होती भी है ड्यू टू दिस होलोस्फेयर, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो, ठीक है। आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आई, माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वायर, इनसाइड जीरो, और ऑन सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे जी एम बाय आर स्क्वायर आएगी मैक्सिमम ऑन सरफेस, ठीक है। ऐसे मतलब नेगेटिव, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया मैंने। लेकिन मुद्दा क्या है,
इस यूनिफॉर्म होलोस्फेयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना मुद्दा है, ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की जरूरत पड़ेगी टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसीलिए मैंने पहले ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट कर ली, ठीक है, आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड, एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो देखो आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड ये कितनी आई है, माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वायर। यूजिंग रिलेशन ये क्या होगी, माइनस डी वी बाई डी एक्स, सही बात है। तो यहां से डी वी ये कितना आ गया, जी एम डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू जी एम इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो व्हेन एक्स इज इन्फिनिटी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं क्या लूंगा, जीरो रेफरेंस के तौर पे, और ऐसा लेते भी हम। व्हेन एक्स इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो, व्हेन एक्स इज एक्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी, वी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय में एक्स, लोअर लिमिट इनफाइनाइट अपर लिमिट एक्स, माइनस जी एम वन बाय एक्स माइनस वन बाय इन्फिनिटी। तो ये कितना आ गया, माइनस जी एम बाय एक्स, क्योंकि वन बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तो आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड ऑन सरफेस, सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आएगा। सरफेस का मतलब जब एक्स कैपिटल आर के बराबर हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस जी एम बाय में कैपिटल आर, सही बात है, एक्स को कैपिटल आर पुट कर दो। और थर्ड इनसाइड, मतलब जब एक्स लेस देन आर हो, ग्रेटर देन जीरो लेस देन आर। देखो ये ग्रेटर देन जीरो मैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ लिख रहा हूं, वैसे ये सारे पॉइंट्स इनसाइड हैं, ठीक है। तो देखो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो। यूजिंग रिलेशन ये क्या होगी, माइनस डीवी बाय डीएक्स। तो देखो डीवी कितना आ गया, जीरो डीएक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। व्हेन एक्स इज कैपिटल आर, मतलब सरफेस की बात कर रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना निकल के आया सरफेस पे, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। इनसाइड बात करो, व्हेन एक्स इज एक्स, मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड क्या है, वी, तो वी प्लस जी एम बाय में आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि राइट साइड इंटीग्रेशन जीरो आएगा, क्योंकि यहां पे जीरो आ गया ना। तो इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आया, माइनस जी एम बाय आर, कॉन्स्टेंट आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, देख सकते हो। तो अब ग्राफ प्लॉट कर दो वी वर्सेज एक्स, ठीक है। तो देखो आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये आया है, तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आउटसाइड के लिए, ठीक है। और सरफेस पे, मतलब जब एक्स कैपिटल आर के बराबर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आया, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, ठीक है। और इनसाइड जब एक्स कैपिटल आर से कम है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आया, कॉन्स्टेंट, माइनस जी एम बाय आर, ठीक है। तो देखो यहां पे इंफॉर्मेशन क्या देना चाहता हूं मैं, किसके बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म होलोस्फेयर। जब मैं आउटसाइड की बात करूंगा, मान लो ये कोई पॉइंट है आउटसाइड, कितनी डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस दूर, चाहे ये पॉइंट है आउटसाइड, कितनी डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस दूर, चाहे ये पॉइंट है आउटसाइड,
कितनी डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस दूर, चाहे ये पॉइंट है आउटसाइड, एक्स डिस्टेंस दूर, इन सभी पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म होलोस्फेयर वो क्या आएगा, माइनस जी एम बाई एक्स, ठीक है। और सरफेस पे मान लो कोई पॉइंट है, सरफेस पे मान लो सरफेस पे पॉइंट्स हैं, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये हो या ये हो या ये हो, चाहे ये हो या ये हो, ये सरफेस पे पॉइंट्स है ना, मतलब सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, तो सरफेस के पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स पे मतलब सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। और चाहे अंदर हो कोई पॉइंट, अंदर हो, इनसाइड होलोस्फेयर, सेंटर से कितनी भी दूर हो, तो इन सभी पॉइंट्स पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, ठीक है। अब हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, मान लो मेरे पास ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, और इसके वॉल्यूम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल कितना मास है एम, ठीक है। और ये मान लो एक्स एक्सिस है, और जो इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का सेंटर है ना वो मान लो ओरिजिन है, ठीक है। तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है। वैसे वो हम पहले से ही जानते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले बात करो आउटसाइड, मतलब जब एक्स कैपिटल आर से ज्यादा हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर आउटसाइड पॉइंट पे कितनी आएगी, इस डायरेक्शन में जी एम बाई एक्स स्क्वेयर, मतलब जी कितना आ गया, माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ऐसे आई ना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। अब आओ सरफेस पे, मतलब जब एक्स कैपिटल आर के बराबर हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, ऐसे जी एम बाय आर स्क्वेयर, मतलब माइनस जी एम बाय आर स्क्वेयर मैक्सिमम होगी, सरफेस पे मैक्सिमम होती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। और अब आओ इनसाइड, इनसाइड मतलब जब एक्स कैपिटल आर से कम हो, इनसाइड, ठीक है। और यहां पे मैं ग्राफ के हवाले से क्या बात करूंगा, ग्राफ के हवाले से, वैसे ये सभी पॉइंट्स इनसाइड हैं, ग्राफ के हवाले से क्या बात करूंगा, एक्स जीरो से ज्यादा होना चाहिए कैपिटल आर से कम, लेकिन वैसे देखो ये भी इनसाइड है, ये भी पॉइंट इनसाइड है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, ये डिस्टेंस क्या है एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन कैपिटल आर, तो इनसाइड दिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड टूवर्ड सेंटर आएगी, और कितनी आएगी हम पहले से जानते हैं, जी एम एक्स बाय में आर क्यूब, मतलब माइनस जी एम एक्स बाय में आर क्यूब, ठीक है। तो देखो जी वर्सेज एक्स ग्राफ कैसा आएगा, जी वर्सेज एक्स, आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड ये है, कुछ ऐसा ग्राफ आउटसाइड के लिए, ठीक है, और इनसाइड ये है, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। तो देखो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है, सरफेस मतलब जब एक्स कैपिटल आर के बराबर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड टूवर्ड सेंटर है, और कितनी जी एम बाई आर स्क्वायर,
साइन के वाले से कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी, जीरो। लेकिन मुद्दा यहां पे क्या है, हमें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना ना इस सॉलिड स्फीयर की वजह से, तो अब उस पे आते हैं। सबसे पहले आउटसाइड मतलब एक्स कैपिटल आर से ज्यादा हो, एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर आउटसाइड, तो आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग रिलेशन ये क्या हो जाएगी, माइनस डी वी बाय डी एक्स, तो डी वी कितना आ गया, जी एम डी एक्स बाय में एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू जी एम इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो जब एक्स इनफाइनाइट होगा तो इन्फिनिटी पे हम रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस के तौर पे। तो जब x इनफाइनाइट होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, और जब x x होगा तो आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा v, v इज इक्वल टू माइनस जी एम वन बाय एक्स, लोअर लिमिट इनफाइनाइट अपर लिमिट x, तो माइनस जी एम वन बाय एक्स माइनस वन बाय इन्फिनिटी, तो आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया माइनस जी एम बाय एक्स, क्योंकि वन बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ये आ गया आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब सरफेस पे क्या होगा, सरफेस का मतलब क्या, एक्स कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय में कैपिटल आर, सही बात है। अब आते हैं इनसाइड, मतलब जब एक्स कैपिटल आर से कम हो, इनसाइड ग्राफ के वाले से बात करूं, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ना वो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो प्लॉट करूंगा। देखो मैंने इस तरफ कोई ग्राफ प्लॉट नहीं किया है, ठीक है। तो देखो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या है, माइनस जी एम एक्स बाय में आर क्यूब, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, यूजिंग रिलेशन, माइनस डी वी बाय डी एक्स के बराबर, सही बात है। तो देखो डी वी ये कितना आ गया, यहां से जी एम बाय में आर क्यूब एक्स डी एक्स इतना आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब देखो जब x कैपिटल R के बराबर है, मतलब सरफेस की बात, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना, माइनस जी एम बाय कैपिटल R, और जब x x के बराबर है इनसाइड तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V, तो V प्लस जी एम बाय में कैपिटल R इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, तो जी एम बाय में टू आर क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया, जी एम एक्स स्क्वायर बाय में टू आर क्यूब माइनस जी एम बाय में आर माइनस जी एम बाय में टू आर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर, ठीक है, माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर। तो देखो इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये आ गया, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं v वर्सेज x, v वर्सेज x ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेज x ग्राफ प्लॉट करते हैं।
तो देखो आउटसाइड के लिए जब मतलब एक्स कैपिटल आर से ज्यादा हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आया, माइनस जी एम बाय एक्स। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आया, जी एम बाय एक्स स्क्वायर बाय टू आर क्यूब माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और अब देखो सेंटर पे मतलब जब एक्स क्या हो, जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पे, यहां पे एक्स को जीरो पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर, माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर। सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये, ठीक है। और सरफेस पे मतलब जब एक्स कैपिटल आर के बराबर हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना, माइनस जी एम बाय आर, ठीक है। तो v वर्सेज x कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेज x। अब देखो यहां पे मैं क्या बताना चाहता हूं, मान लो कोई पॉइंट है आउटसाइड, यहां पे सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर, चाहे यहां पे हो या यहां पे हो, कहीं पे भी हो, सेंटर से x डिस्टेंस दूर आउटसाइड एक पॉइंट है या यहां पे है। तो इन सभी पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस जी एम बाय एक्स, ठीक है। और अब मान लो पॉइंट है सरफेस पे, सरफेस पे पॉइंट है, मतलब देखो जैसे कि यहां पे हो गया, यहां पे हो गया, यहां पे हो गया, कहीं पे भी सरफेस पे है, बस यहां पे हो गया, यहां पे हो गया, सरफेस के इन पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, ठीक है। और मान लो अब कोई पॉइंट अंदर है, अब पॉइंट है इनसाइड, सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस दूर, चाहे यहां पे है या यहां पे है या यहां पे है, कहीं पे भी है, सेंटर से कितनी दूर है पॉइंट, एक्स डिस्टेंस दूर और अंदर है, तो इन पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना आएगा, यहां से निकलेगा जी एम एक्स स्क्वायर बाय टू आर क्यूब माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर, ठीक है। और कोई पॉइंट कहां पे, सेंटर पे, अब मेरा पॉइंट है बिल्कुल सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे, मतलब एक्स जीरो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू शेल, स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल हैविंग इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू। यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल हैविंग इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, वैसे शेल स्फेरिकली होती है, हैविंग इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू, ठीक है। एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस आर वन है, आउटर रेडियस आर टू है, और टोटल मास एम है, ये क्या होगा सेंटर, ठीक है। इनर रेडियस आर वन, आउटर रेडियस आर टू, ठीक है।
ये क्या है कैविटी, यहां पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और मास कितना है m, ये क्या है अंदर कैविटी, स्फेरिकल कैविटी, यहां पे कुछ नहीं है, ये कैविटी है, खाली जगह है, मास तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली m। मान लो ये x एक्सिस है और ये सेंटर क्या है ओरिजिन, ठीक है, इनर रेडियस क्या है r1, आउटर रेडियस r2। तो इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इन वेरियस रीजन्स, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करूंगा, वैसे हम वो पहले कर चुके हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ग्रेविटेशनल फील्ड बताऊंगा सबसे पहले आउटसाइड के लिए, मतलब यहां पे कोई पॉइंट है एक्स डिस्टेंस दूर, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन आर टू, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी, ऐसे टूवर्ड सेंटर आएगी और कितनी जी एम बाय में एक्स स्क्वेयर, ऐसे आई ना, मतलब नेगेटिव माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और अब आओ सरफेस पे, सरफेस का मतलब एक्स कितना हो आर टू, तो ग्रेविटेशनल फील्ड टूवर्ड सेंटर आएगी और कितनी आएगी जी एम बाय आर टू स्क्वेयर, मतलब ऐसे है ना, मतलब नेगेटिव माइनस जी एम बाय आर टू स्क्वेयर। अब आओ इनसाइड मटेरियल, मतलब x r2 से कम है r1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन r1 लेस देन r2, इनसाइड मटेरियल ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ये डिस्टेंस मान लो x है, ये पॉइंट मटेरियल में है, तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ऑब्वियसली टुवर्ड सेंटर आएगी, और ये कितनी आएगी, ये हम पहले कर चुके हैं, ये आएगी इस डायरेक्शन को, मतलब नेगेटिव, और कितनी जी एम डिवाइडेड बाय आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब इंटू में एक्स माइनस आर वन क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। इनसाइड मटेरियल ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी टूवर्ड सेंटर, तभी माइनस साइन लगाया है, मैग्नीट्यूड में कितनी आएगी इतनी, और माइनस साइन लगाना जरूरी है अकॉर्डिंग टू वेक्टर, ठीक है। और इनसाइड कैविटी, इन कैविटी, कैविटी में, मतलब एक्स लेस देन आर वन, और ग्राफ के वाले से बात करूं तो देखो एक्स को ग्रेटर देन जीरो लूंगा, ठीक है, तो इनसाइड कैविटी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी जीरो, ठीक है, कैविटी में ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी जीरो। और ग्राफ के वाले से बात करूं तो कैविटी को मैं क्या रीजन मानूंगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन आर वन, ठीक है। तो अब देखो जी वर्सेज एक्स ग्राफ कैसा आएगा इसका, ये मान लो आर वन है, ये आर टू, ठीक है, तो आउटसाइड के लिए देखो एक्स ग्रेटर देन आर टू, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है माइनस जी एम बाय एक्स स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा आएगा जी वर्सेज एक्स, इसके बाद में कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, ध्यान रहे स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। और इनसाइड कैविटी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी जीरो, ठीक है, ये तो मटेरियल के अंदर होगी,
और ये सरफेस पे और ये आउटसाइड और ये इन कैविटी, कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी? जीरो। तो देखो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहां पे है? सरफेस पे, मतलब जब एक्स आर टू के बराबर है। और कितनी है ग्रेविटेशनल फील्ड? ऐसे जी एम बाय आर टू स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू वेक्टर माइनस जी एम बाय आर टू स्क्वेयर, ठीक है। लेकिन हमारा मुद्दा तो क्या है, इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना। ये तो हम पहले कर चुके हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट केस में आउटसाइड, मतलब एक्स ग्रेटर देन आर टू। यहां पे कोई पॉइंट होगा एक्स डिस्टेंस दूर आउटसाइड, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो अब देखो आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आई है? माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वायर। यूजिंग रिलेशन ये क्या होगी? माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो डीवी कितना आ गया? जी एम डी एक्स बाय में एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डीवी इज इक्वल टू जी एम इंटीग्रेशन डी एक्स बाय में एक्स स्क्वायर। अब देखो रेफरेंस के तौर पे एट इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू एक्स आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी, इंटीग्रेट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी इज इक्वल टू माइनस जी एम वन बाय एक्स लोअर लिमिट इनफाइनाइट अपर लिमिट एक्स। तो ये कितना आ गया? वन बाय एक्स माइनस वन बाय इन्फिनिटी। तो ये कितना आ गया? माइनस जी एम बाय एक्स। तो ये आ गया आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अब सरफेस पे फाइंड आउट करता हूं, ऑन सरफेस जब एक्स आर टू के बराबर हो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस पे क्या हो जाएगा? एक्स को आर टू पुट कर दो, माइनस जी एम बाय आर टू। ये आ गया सरफेस पे। अब मैं इनसाइड मटेरियल फाइंड आउट करूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनसाइड मटेरियल, ठीक है। मतलब जब x r1 से ज्यादा हो r2 से कम हो, ठीक है। तो इनसाइड मटेरियल ग्रेविटेशनल फील्ड मेरी ये आई है वेक्टर के हवाले से, g इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब इंटू में एक्स माइनस आर वन क्यूब बाय में एक्स स्क्वेयर। यूजिंग रिलेशन ये क्या हो जाएगा? माइनस डी वी बाय डी एक्स, सही बात है। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो डी वी ये कितना आ जाएगा? जी एम बाय में आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब इंटू में एक्स माइनस आर वन क्यूब बाय में एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इंटू में डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। सरफेस की बात करो, जब एक्स आर टू है तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना? माइनस जी एम बाय आर टू। और इनसाइड मटेरियल एट एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मान लो वी। तो देखो यहां पे इस इंटीग्रेशन को आप इजिली सोल्व कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना बिल्कुल इजिली सोल्व कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, इंटीग्रेशन को सोल्व करना, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही करनी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेंदी पड़ेगा लेकिन इजिली आ जाएगा। ये कितना आएगा? माइनस जी एम बाय में आर टू माइनस जी एम बाय में आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब इंटू में
वन बाय टू इंटू में आर टू स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस आर वन क्यूब इंटू में वन बाय आर टू माइनस वन बाय एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा इनसाइड मटेरियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही आएगा, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट करूंगा कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन कैविटी, फोर्थ केस, लास्ट एंड फोर्थ केस, इन कैविटी मतलब जब एक्स जीरो से ज्यादा हो आर वन से कम हो, अकॉर्डिंग टू ग्राफ एक्स को जीरो से ज्यादा लेना पड़ेगा और ऑब्वियसली आर वन से कम, ठीक है। तो देखो इनसाइड कैविटी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या, जीरो, और ये किसके बराबर होगी, माइनस डीवी बाई डी एक्स के बराबर, यूजिंग रिलेशन। तो अब देखो मान लो यहां पे व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर वन, व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर वन, जब एक्स आर वन है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी वी नोट के बराबर है, मान लो ऐसा, ठीक है। जब एक्स आर वन के बराबर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मान लो वी नोट के बराबर है, और वो यहां से आ सकता है, एक्स को क्या पुट करना वैसे आर वन, ठीक है। तो यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, और उसको मैंने क्या मानना है अपने पास से वी नोट। तो अब कैविटी में आओ, ग्रेविटेशनल फील्ड तो है ही नहीं कोई, कैविटी में जीरो है, यूजिंग रिलेशन ये माइनस डीवी बाई डी एक्स होगी। तो देखो यहां से डीवी ये कितना आ गया, जीरो डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जब एक्स आर वन के बराबर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने वी नोट माना है, और वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहां पे एक्स को बस आर वन पुट करना है, ठीक है। When x is r1, gravitational potential v note. और inside cavity when x is x, inside cavity gravitational potential मान लो v, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन करना है, तो v माइनस v नोट इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड में यहाँ पे जीरो है ना, तो राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो कैविटी के अंदर देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी नोट आया, मतलब कॉन्स्टेंट, कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी नोट के बराबर होगा कॉन्स्टेंट, और वी नोट किसके बराबर है, वी नोट क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल व्हेन एक्स इज आर वन। तो जब यहां पे एक्स को आर वन पुट करोगे ना तो वी नोट की वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी आएगी, माइनस जी एम इंटू में वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब, ठीक है, इंटू में वन बाय टू आर टू स्क्वेयर माइनस आर वन स्क्वेयर, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी अच्छी ब्रैकेट ले लेता हूं, ये वाले प्लस आर वन क्यूब इंटू में वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन प्लस आर वन क्यूब इंटू में वन बाय आर आर टू माइनस वन बाय आर वन, ठीक है। इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा इनसाइड कैविटी, ठीक है, मतलब वी नोट मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू आर वन,
ये कैसे फाइंड आउट किया है, यहाँ पे जहाँ पे x है ना वहाँ पे बस आर वन पुट कर दो तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। और इन फैक्ट कैविटी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी नॉट आएगा कॉन्स्टेंट के बराबर, ठीक है। तो अब हम v वर्सेज x ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे कुछ r2, यहाँ पे r1। तो आउटसाइड की बात करूँ x ग्रेटर देन r2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम बाई एक्स। आउटसाइड के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सही बात है। और इनसाइड मटेरियल, इनसाइड मटेरियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये आया है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और इनसाइड कैविटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कॉन्स्टेंट आया है वी नोट, तो इनसाइड कैविटी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब देखो सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी नोट ही होगा, और वी नोट इतना है, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। इनफैक्ट इस कैविटी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी नोट आएगा कॉन्स्टेंट, और वी नोट ये है, ये नेगेटिव आएगा पक्का। और ऑन सरफेस मतलब जब एक्स आर टू के बराबर है, ऑन सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो कितना आया, माइनस जी एम बाय आर टू, ठीक है। और देखो यहां से कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई पॉइंट है आउटसाइड एक्स डिस्टेंस दूर, ठीक है, आउटसाइड कितनी डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस दूर आउटसाइड कोई पॉइंट है, चाहे वो पॉइंट यहां पे हो या यहां पे हो, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे या यहीं पे ही क्यों ना हो, कहीं पे भी हो आउटसाइड होना चाहिए, सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस दूर। तो इन सभी पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम आएगा क्योंकि आउटसाइड है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है, और कितना आएगा, माइनस जी एम बाई एक्स, ठीक है। और अब मान लो कोई पॉइंट है सरफेस पे, मतलब वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है सरफेस पे। तो इन सभी पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम आएगा, कितना, माइनस जी एम बाई आर टू, ठीक है। और अब मान लो कोई पॉइंट है इनसाइड मटेरियल, ठीक है, वो यहाँ पे भी हो सकता है सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर, और यहां पे भी हो सकता है सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर, इनसाइड मटेरियल कहीं पे भी हो सकता है सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पॉइंट है इनसाइड मटेरियल। तो इन सभी पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आएगा, इतना आएगा, यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पॉइंट है इनसाइड मटेरियल, तो इन पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम आएगा, और वो यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मान लो इनसाइड कैविटी पॉइंट है, कहीं पे भी है कैविटी के अंदर, सेंटर से कितनी भी दूर हो, क्योंकि कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है वी नोट के बराबर, और वी नोट की वैल्यू ये है, और ये वी नोट नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो कैविटी के अंदर पॉइंट्स हैं सेंटर से चाहे कितनी भी दूर हो, इन सभी पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी नोट आएगा इतना, और ये वी नोट पक्का नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये तो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल हैविंग इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू, ठीक है, वी वर्सेज एक्स ये ग्राफ है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।